जय जोहार, जय झारखंड। तो गाइज, मैं झारखंड के अभी रांची शहर में हूँ और रांची शहर के ये चटकपुर एरिया है जहाँ रास्ते बहुत ही ज्यादा खराब है। तो गाइज, अगर आप पैदल है तो आप कहीं से निकल सकते हैं, अगर स्कूटी से है तो आप रास्ते में पलट जाएंगे, और कार में बैठे हैं ना तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप कार में बैठे हुए हैं, आप हिलते डोलते हुए नजर आएंगे, आप उछल जाएंगे। अभी मैं कार में हूँ और देखिए कैमरा कितना है, वो हिल रहा है गाइस। तो मैं झारखंड के सीएम श्री हेमंत सोरेन जी से ये कहना चाहूंगी कि आप इस रास्ते को बनवाने पर ध्यान दें और जरूर अपनी नजर आसपास के इलाकों पर रखें, इससे बहुत सारी हादसा हो रही है। मैं कुछ वीडियो क्लिप दिखाना चाहूंगी आप सभी को और हेमंत सोरेन जी को भी कि आप इस वीडियो क्लिप को देख करके कुछ जरूर करें, इससे बहुत लोगों को परेशानी हो रही है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ ये वीडियो क्लिप। तो गाइज, ये वो व्यू है जिसमें पानी भरा हुआ रहता है बारिश होने के कारण। यहाँ पे पानी पास होने की जगह नहीं है और आप देखिए कि पर्सन है वो कैसे इस पानी में आ रहे हैं। और ये एक दिन का नहीं है, ये लगभग 15-20 दिन से यही चल रहा है। देखिए बेचारे गिरते गिरते बचे हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी बाइक पूरी तरह से डूब गई है और देखिए कैसे स्लिप हो रहे हैं। 2 पर्सन बैठे हुए हैं, ये बेचारे तो बच गए, लेकिन इसमें कितने लोग हैं जो हर दिन गिरते हैं। एक दिन तो एक लेडी है 2 बच्चे को लेकर इसमें पूरी तरह से पलट गई थी। तो इसका वीडियो रिकॉर्ड कर पाना पॉसिबल नहीं था गाइज, क्योंकि सबसे पहले दूसरों की हेल्प करना जरूरी होता है। तो ऐसे देखिए यहाँ पे गड्ढा करके छोड़ दिया गया है। गड्ढा क्यों किया जा रहा है ये भी मैं आपको बता दूँ, सप्लाई वाटर का पाइपलाइन बिछ रहा है, तो ये बरसात में ही सब करना जरूरी था। देखिए यहाँ पे कार है वो फंस गई है और लोग भी इसमें नहीं है, और इसमें एक प्रेग्नेंट वोमेन बैठी थी। तो आप सोचिए गाइस कि हर आए दिन कुछ न कुछ इस रास्ते में होते रहता है, तो क्या हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये देखिए ट्रक, इसमें भी सामान लोड किया हुआ था, कितने इसमें आदमी थे, और ये ट्रक भी बुरी तरह से फंस गई है। आप देख सकते हैं कि लोग की जाने हैं वो जा सकती है। ये जो जगह है वो नवा सोसो चटकपुर का है, तो मुझे लगता है कि यहाँ के मुखिया और जितने भी लोग हैं इससे रिलेटेड, उन्हें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। गाइज, आपने ये वीडियो क्लिप देखा और देखने के बाद आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर इतना ज़्यादा कीजिए कि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और ये रास्ते को अच्छे से बनवाया जाए।